हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। आप इन टिप्स का उपयोग करेंगे तो अपने हर मुश्किल काम को आसानी से कर पाएंगे। टिप्स नंबर वन, जब पनीर या चीज़ को कद्दूकस करें तो कद्दूकस पर थोड़ा सा तेल लगा लें। ऐसा करने पर पनीर या चीज़ चिपकेगा नहीं। टिप्स नंबर टू, जब भी किसी चीज़ में कसूरी मेथी का उपयोग करें तो पहले कसूरी मेथी को तवे पर हल्का भून लें, फिर डालें। टिप्स नंबर थ्री, पेपर डोसा बनाते टाइम मिश्रण में 1 से 2 चम्मच मक्के का आटा मिला दें। इससे डोसा करारे बनकर तैयार होगा। टिप्स नंबर फोर, अगर खीर ज़्यादा पतली हो जाए तो उसमें थोड़ी सी कस्टर्ड पाउडर मिला दे, इससे खीर गाढ़ा हो जाएगा। टिप्स नंबर फाइव, अगर पुलाव बनाना है तो नमक डालकर चावल उबाले, सब्जी या फ्राई कर ले और चावल को मिक्स कर ले, इससे पुलाव खिला खिला बनकर तैयार होगा और खाने में टेस्टी लगेगा। टिप्स नंबर सिक्स, कुल्फ़ी बनाते टाइम चुटकी भर मीठा सोडा दूध में डाल दे, इससे मलाई नहीं आएगा। टिप्स नंबर सेवन, जब आप अरवी की सब्ज़ी बनाएं तो अरवी को छीलने से पहले हाथों में सरसों का तेल लगा लें। ऐसा करने से अरवी को छीलने पर हाथों में खुजली नहीं होगा। तो अब टिप्स नंबर एट, मेथी के पराठे को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना है तो थोड़ा सा बेसन डालकर बनाएं, इससे मेथी के पराठे स्वादिष्ट और करारे बनेगा। टिप्स नंबर नाइन, गाजर का छिलका कम समय में आसानी से उतारना है तो उसे गर्म पानी में 5 से 7 मिनट के लिए रख दे और फिर छीलने से 2 मिनट पहले ठंडा पानी में डाल दे, तो ऐसे में गाजर का छिलका आसानी से उतार पाएंगे। टिप्स नंबर टेन, काजू कतली को पॉलीथीन के अंदर रख कर बेले फिर काटे। ऐसा करने पर काजू कतली का शेप खराब नहीं होगा और काजू कतली अच्छे से बनेगा। टिप्स नंबर 11, आलू और प्याज को कभी भी एक साथ स्टोर करके नहीं रखें, इससे आलू जल्दी ख़राब हो जाता है। टिप्स नंबर 12, रोटी को मुलायम बनाए रखना है तो अदरक के कुछ टुकड़े रोटी के बर्तन में डाल दे, रोटी अधिक समय तक मुलायम रहेगा। टिप्स नंबर 13, आंवले के अचार को अधिक समय तक पीला रखने के लिए अचार में थोड़ा सा शक्कर डाल दे। टिप्स नंबर 14, अगर सब्जी में गरम मसाला ज़्यादा हो जाए तो इसे कम करने के लिए आप थोड़ा सा काजू या बादाम का पेस्ट डाल दे। ऐसा करने पर गरम मसाला का टेस्ट भी कम हो जाएगा और सब्जी टेस्टी लगेगा खाने में। तो दोस्तों, यह टिप्स आपके किचन में बहुत काम आने वाला है। इन टिप्स का उपयोग करके आप अच्छे से खाना बना पाएंगे और किचन के काम को कम समय में बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी सभी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।